तो यार आपने भी कभी ना कभी तो अर्थक्वेक या भूकंप होता हुआ देखा ही होगा। जब इसके कारण जमीन कांपने लगते हैं तो डर से हम सबके फेफड़े, दिल, गुर्दे सबके सब कांपना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही भूकंप 9 नवंबर की सुबह 1:57 में आते हैं और पूरे दिल्ली वालों को डरा के चला जाता है। तो आज हम ऐसे ही भूकंप इंसिडेंट्स को जानेंगे और साथ ही साथ इसके होने के कारण को भी चर्चा करेंगे। जब आप सुकून से घर के अंदर सो रहे होते हैं या फिर कहीं वॉक कर रहे होते हैं, फिर अचानक अगर जमीन कांपने लगे तो डर से सबका हालत टाइट हो जाता है। ऐसे ही आज से 9 नवंबर के आधी रात को दिल्ली में आई भूकंप के कारण सब शॉक हो जाते हैं। हालांकि शुक्र है कि इस भूकंप से दिल्ली में ज़्यादा हानि नहीं पहुँचा है। इस भूकंप का केंद्र नेपाल के बुद्धकोट में होने की वजह से हमारे देश के साथ साथ हमारे दो पड़ोसी मुल्क चाइना और नेपाल ने भी इसके झटके महसूस किए हैं। बताया जाता है ये वाला भूकंप 6.6 मैग्नीट्यूड का था, जो बहुत बहुत ज़्यादा होता है। इसके वजह से भले ही दिल्ली में ज़्यादा हानि ना हो, मगर पड़ोसी देश नेपाल में काफ़ी तबाही हुए और कई लोगों के जाने भी चले गए। ऐसे ही एक सबसे ताकतवर भूकंप वल्दिविया अर्थक्वेक नाम से प्रसिद्ध 1960 में चिली देश में हुआ था। इस रिकॉर्ड टूर 9.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप 10 मिनट तक चला, जिससे 25 मीटर ऊंचा सुनामी उठकर खड़ा हो गया। इस भयानक भूकंप के कारण लगभग 1,000 से 6,000 लोगों की जाने चले गए। वैसे भूकंप कई कारणों से होता है, मगर दो ऐसे कारण हैं जिससे आज तक दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा गए, वो है वोल्केनिक इरप्शन और टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होना। दोस्तों, दुनिया का 80% भूकंप के कारण वोल्केनो ही जिम्मेदार होता है। वोल्केनिक इरप्शन से वोल्केनो जब फटते हैं तो उसके तेज प्रभाव से कई मील दूर तक जमीन हिलने लगते हैं। ये इतना ताकत से हिलता है जिसे कई स्ट्रक्चर्स आसानी से तबाह हो जाता है। जो दूसरा कारण है वही हाल ही के भूकंप का कारण बताया गया है। दोस्तों, साइंटिस्ट की माने तो दुनिया बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े या फिर टेक्टोनिक प्लेट से बनी है, जिसके ऊपर ही सभी पहाड़, नदी, शहर आदि बने हुए हैं। इस हिसाब से इंडिया इंडियन प्लेट्स के ऊपर और नेपाल यूरेशियन प्लेट्स के ऊपर बसा है। बताया जाता है जब ये प्लेट्स आपस में जोर से घर्षण करते हैं तो एक बेहद ताकतवर झटके जनरेट करता है, जिसके कारण कई मील दूर तक जमीन कांपने लगते हैं। ठीक अभी के समय में भी जब इंडियन प्लेट्स यूरेशियन प्लेट से घर्षण हुआ था तो बहुत तेज झटके पैदा किए, जिसे नेपाल, चाइना के साथ दिल्ली में भी बड़ी जोर के कंपन महसूस किए गए। तो यारो, चाहे रीज़न कुछ भी हो, पर जब भूकंप आते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि अगर आप घर के अंदर हैं तो किसी मजबूत टेबल के नीचे जाके छिप जाए। अगर बाहर है तो ऊँचे ऊँचे बिल्डिंग से दूर किसी खाली जगह जाने की कोशिश करें और सेफ रहिए। इसी बात के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर के साथ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल अभी के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए जय हिंद।